विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश भर में आधुनिक एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मोदी सरकार की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रत्येक हवाई अड्डा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही लखनऊ हवाई अड्डे में 2,400 करोड़ रुपए की लागत से नए एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 80 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल एवं जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास लगभग 912 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे एवं कोल्हापुर हवाई अड्डों में लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया है। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे में भी 115 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 4,600 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के वर्तमान T1 टर्मिनल का उन्नयन किया गया है। इन परियोजनाओं से इन हवाई अड्डों की यात्रियों को सेवा देने की वार्षिक क्षमता में 6 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आंध्र प्रदेश के कड़पा तथा कर्नाटक के हुबली एवं बेलगावी हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन हवाई अड्डों से प्रतिवर्ष 95 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन परियोजनाओं से हवाई संपर्कता बेहतर होगी, पर्यटकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र के उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।